हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं जड़ी बूटी का इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपको किस तरह की मर्दाना कमज़ोरी की समस्या हो तो आपको मछली के तेल के कैप्सूल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम ख़राब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर मर्दाना कमज़ोरी का मरीज़ मुँह उठाकर मछली के तेल का कैप्सूल खाना शुरू कर दे। मछली के तेल का कैप्सूल कोई मर्दाना कमज़ोरी का इलाज नहीं, लेकिन मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि पहले अपने खून की जांच करवाएं, उसके बाद किसी जड़ी बूटी का सेवन करें। मर्दाना कमज़ोरी के बहुत सारे कारण होते हैं। आज मैं ऐसे कुछ ऐसे लक्षणों की बात करूँगा, अगर आपके अंदर वो पाए जाएंगे तो फिर आपको इसका सेवन करना चाहिए। जिन लोगों में मर्दाना कमज़ोरी के साथ साथ बहुत तनाव रहता हो, वो बहुत निराश रहते हों, ऐसे लोग मछली के तेल के कैप्सूल का सेवन करें। अपनी औषधि के साथ, अकेला नहीं, अपनी औषधि के साथ। उसके बाद जिन लोगों का मूड बार बार चेंज होता हो और कुछ भी करने को मन नहीं करता हो, ऐसे लोग भी मछली के तेल के कैप्सूल का सेवन करें, अपनी औषधि अपनी जड़ी बूटी के साथ। बात को समझ लीजिए, जिन लोगों का संभोग करने के लिए मन नहीं करता हो, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके अंदर मूड स्विंग के लक्षण पाए जाते हैं। कभी तो मूड बहुत अच्छा है, कभी वो बहुत निराश हैं, वो बहुत हाई स्पिरिट्स में हैं, कभी वो बहुत लो फील कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मछली के तेल का कैप्सूल अपनी औषधि के साथ लेना चाहिए। जिन लोगों का सिर्फ और सिर्फ संभोग करने के लिए मन नहीं करता, ऐसे लोगों को मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ कि वो अपने FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटनाइजिंग हार्मोन का ब्लड टेस्ट करवाएं और उस हिसाब से औषधि लें। उसके बाद जिनको लिंग के अंदर टेढ़ापन हो, जिनको पेनिस के अंदर टेढ़ापन हो, जिनके पेनिस के अंदर कोई प्लेक हो, प्लेक की वजह से ही टेढ़ापन लिंग के अंदर होता है, ऐसे लोग भी मछली के तेल के कैप्सूल का सेवन करें। उनके शरीर के किसी और हिस्से में भी प्लेक हो सकता है। उसके बाद जिन लोगों का इंसुलिन हार्मोन ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा हाई रहता हो, ऐसे लोग भी मछली के तेल के कैप्सूल का सेवन करें, ये भी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़िया करेगा। जब आपके शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन के लेवल्स थोड़े ज़्यादा रहते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड सही से काम नहीं कर पाता। पिट्यूटरी ग्लैंड का ये काम होता है कि वो आपके टेस्टीज को, आपके अंडकोश को, जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी बेड के अंदर बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए, आपकी मर्दाना ताकत को चरम सीमा पर रखने के लिए, वो आपके टेस्टीज को सिग्नल देते हैं कि वो इस हार्मोन को बनाएं। अगर आपके शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन के लेवल्स हाई रहेंगे, फिर वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगा और आपके टेस्टीज सही से टेस्टोस्टेरोन नहीं बना पाएंगे। जिन लोगों का लिवर फैटी हो और इस वजह से उनको पेशाब के साथ धात गिरने की समस्या हो, या उनको पीला पेशाब आता हो, या जब वो पैदल चलते हैं तब उनकी सांस फूलती हो, या एक आधा माला सीढ़ियों पर चढ़ने से उनकी सांस फूलती हो, ऐसे लोग भी मछली के तेल के कैप्सूल का सेवन करें, इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। इन लोगों को फैटी लिवर की औषधि तो लेनी ही पड़ेगी, लेकिन मछली के तेल का कैप्सूल अगर आप साथ में लेंगे तो वो औषधि बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी। जिन लोगों को मर्दाना कमज़ोरी के साथ साथ नींद ना आने की भी समस्या हो, ऐसे लोग मछली के तेल का कैप्सूल का सेवन करें, इससे भी उनको बहुत फ़ायदा होगा। जो नींद आने वाला हार्मोन है, जब उसके लेवल्स सही होंगे तो जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसके लेवल्स भी सही हो जाएंगे और आपको अपनी परेशानी से, आपको अपनी मर्दाना कमज़ोरी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको कुछ लक्षण बताए हैं, अगर आपके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं
फिर आप इसका सेवन करें, नहीं तो आपको जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप वैसे अपनी अच्छी सेहत के लिए या अपने शरीर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए या अपने शरीर के फायदे के लिए इसको लेना चाहते हैं तो कोई नुकसान नहीं, इसका फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आप जब भी ओमेगा 3 का कैप्सूल लें, वहां पर मछली के तेल के कैप्सूल को और ओमेगा 3 को आपस में कंफ्यूज नहीं करें। ओमेगा 3 का कैप्सूल 200-300 रुपए की डिब्बी भी आ जाएगी, जिसके अंदर 60 से 100 कैप्सूल होंगे, लेकिन जो ओमेगा 3 मछली के तेल से बना होगा वो 1,500-2,000 रुपए के आसपास 60 कैप्सूल आएंगे, वो सस्ते नहीं होंगे। जो ओमेगा 3 DHA होगा वही नॉन वेजिटेरियन होगा, वही मछली के तेल से बना होगा। जो ओमेगा 3 ALA होगा वो वेजिटेरियन होगा, वो प्लांट बेस्ड होगा, वो आपको इतने बढ़िया फायदे नहीं दे पाएगा। जो ओमेगा 3 ALA से बना होगा उसको हमारा शरीर सही से ग्रहण नहीं कर पाता। हमारे शरीर को पहले ALA को EPA और उसके बाद DHA के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आप मछली के तेल से बना ओमेगा 3 लेंगे फिर वो सीधा सीधा DHA होगा और आपका शरीर उसको सही से ग्रहण कर पाएगा। आपके शरीर के अंदर दुनिया भर के विटामिन्स और मिनरल्स के लेवल्स सही होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर ALA को DHA के अंदर कन्वर्ट कर सके, और दूसरी बात, जितना भी आप ALA लेंगे उसमें से बहुत कम परसेंटेज DHA के अंदर कन्वर्ट हो पाएगी और बाकी का सारा ALA जो एक तरह का ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो नॉर्मल फैट्स की तरह आपके शरीर के अंदर अब्सॉर्ब होगा, आपके शरीर के अंदर जज्ब होगा, जो आपको कोई फायदा प्रदान नहीं करेगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर आपको कोई भी ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना हो तो आप हमेशा DHA लें, मछली के तेल का कैप्सूल ही लें। तो आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।